सक्सेस इज इक्वल टू सेक्रीफाइस सक्सेस नाम ही सैक्रीफाइस का है थ्रू एजुकेशन टर्न अराउंड यूरोप वॉज इन डार्क एजेस बट मुस्लिम वर्ल्ड वॉज ग्रोइंग एंड वॉट सेंचुरी नौ सौ साल हो चुके हैं वी हैविन डिप्ड मुस्लिम हैव नॉट डिप्ड और इन डिस्कवर्ड अगल मीनिंगफुल इन्वेशन इन दाइंटिफिक वर्ल्ड मैंने बिल्कुल कापी किया हुआ है हजूर पाक वाले 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 सल्लाम का मॉडल फर्स्ट फॉर फर्स्ट फोर्टी ईयर्स नईम ही इन्वेस्टेड इन हेम सेल्फ सादिक और अमीन कहलवायाज़ एन एक्सपर्ट नगोशिएटर ही वोज एन एक्सपर्ट डिप्लोमैट जो कबीले थे आस पास के वो उनको बुलाते थे कि मोहम्मद सल वसलम को बुलाओ वो हमारे मसले सॉल्व करेंगे सो ही इन्वेस्टेड इन हेम सेल्फ अपनी करेक्टर बनाया अपनी पर्सनैलिटी को डिवेल्प किया टिल द एज ऑफ फोर्टी इन दैन ही अनलिस्ट हमसेल्फर द नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री इयर्स गिव बैक एवरी थिंग इज विजडम इज इंटेलेक्ट इज नॉलेज इज कोचिंग इज मैं मैं बुक्स भी बहुत गिवेज करता हूं। मैं चैरिटी चैरिटी का मेरा जो वो है ना कि वो कहते हैं कि इज समान इजरीच हिम हाउ टू फिश तो मैं टीच करता हूँ हाउ टू फिश इन वेरियस अदर वेज पाकिस्तान में इन द लॉन्गर रन मुझे एक नॉलेज सिटी क्रिएट करनी खान साहब इज एन अमेजिंग गाय एंड आई थिंक आई पर्सनली थिंक ही इज द लास्ट होप ऑफ पाकिस्तान क्योंकि जो स्टेटस को जो पंजे गाड़े हुए हैं ना उसमें खान साहब हैं तो कुछ संभला हुआ है वरना दैट्स बिजनेस एज यूज लेकिन खान साहब को ना अपनी वीकनेसेस को कवर करना पड़ेगा जुनेद ने, ने उनसे पूछा सॉफ्ट पावर का क्वेश्चन कि थाईलैंड ने अपनी कुजीन की रिडिक्यूल्ड इट इट सेम विद डॉक्टर जावेद इकबाल अब मैंने जब उसका एनालिसिस किया उसका एनालिसिस ये है एक खान साहब को ना उनका माइंड में न्यूरल पाथवेज कुछ नए बनने वाले हैं ही हैज गिनी चुनी बातें अब उनके पास रह गई हैं विच वी ऑल नो गुड थिंग ट्विटर उन्होंने पिछले साल जब वो प्राइम मिनिस्टर थे ही रिकमेंडेड ऑफ यू बुक्स तो मुझे लगा कि ना ही इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही है उनकी आई थिंक ये स्टॉप रीडिंग आई रियली थिंक स्टॉप रीडिंग बिकॉज कोई भी पाथ से हटके बात होती ना ही ब्रिंग्स इट बैक टू द

तो वो ये कह रहे थे कि करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग और मे बी आई एम रिफ्रेजिंग इट कि उन्होंने कहा कि यार आप दूस आप क्यों आप एक गैरतमंद कौम हैं आप मतलब कि वो वापस उसको वो गैरत वाली कैटेगरी में के <laughs> हम अगेन वही अगेन वही पुरानी वही रादर देन आप द, इंडिया को देखें ना अपने बॉलीवुड के थ्रू oh वो दुनिया goodness. Yeah, कितना बेहतरीन इमेज प्रोजेक्ट किया बट The yes, yes. मजहबी तारा जा रहा है दंगे हो रहे हैं फसद hmm. है, जिस तरह माइनॉरिटीज uh, को सप्रेस hmm. किया जा yes, रहा है तो बट थ्रू बॉलीवुड बॉलीवुडली देखी कौन से गाने नहीं देखे हमने

सो इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग सम न्यू नेटवर्क इन साइड एक नई रोड बन जाती है दैट्स वॉट रीडिंग डज नहींक्स दो रोड इन साइड योर माइंड तो खान साहब का मसला जो मुझे आजकल नजर आ रहा है इंटलेक्चुअली I think perhaps he's not reading that much. What about like he is like almost 70 years old, yeah. right? Oh, he And is amazingly fit. He is super fit. He is physically. लेकिन वो वो एक होता है ना कि उम्र के साथ साथ आपका ज़हनी वो कहते हैं neurodegenerative diseases मतलब ज़हन इंसान का कमज़ोर होता है yeah. memories के issue या या शायद वो जो है इस वक़्त जो हैं political activities इन so much uh, engrossed that. in that हाँ yes yes so yes. आपके पास ज़ारी बात है आप बंदे आ रहे हैं आप मिल

डिग्री फिजिक्स में आपने स्पेस कैसे सीखी वो कहता रीड उसकी माँ बचपन में जब उसको आ, क्या नाम है वो पढ़ता था तो उसकी माँ बुलाती थी और वो आवाज नहीं देता था उसकी माँ समझती थी कि ये बहरा हो गया है बुक्स so लाइब्रेरी की लाइब्रेरियाँ चाट गया वो बंदा सो इफ इलॉन मस कैन रीड बराक ओबामा कैन रीड दैन नवाज शरीफ कैन ऑल्सो रीड जरदारी कैन ऑल्सो रीड एन खान साहब कैन ऑल्सो रीड अब उसकी मैथमेटिक्स है मैथेमेटिक्स ये है कि एक एक किताब के अंदर पचहत्तर हज़ार वर्ड्स होते हैं ऑन एवरेज अगर 200 220 दो सौ की बुक है ना उसमें सेवनटी फाइव थाउजेंड वर्ड्स हैं ऑन एवरेज एक इंडिविजुअल एक मिनट में 200 वर्ड्स पढ़ता है सो यू डिड दैट सेवेंटी फाइव थाउजेंड बाई टू हंड्रेड ये तकरीबन तीन सौ पिछत्तर मिनट्स बनते हैं अब अगर आप इसको एक महीने में करना चाहते हैं आप डिवाइड करें थर्टी से तो आपको सिर्फ साढ़े मिनट रोज़ पढ़ना है इफ़ यू वॉन्ट टू फिनिश वन बुक यू टू फिनिश टू बुक्स दैन आपको पच्चीस मिनट पढ़ना है और अगर आपने एक हफ्ते में एक किताब खत्म करनी है तो आपको फिफ्टी थ्री मिनट पढ़ना है बट <laughs> अगर आप एक बुक हो वैसे ही मेरे जहन में सवाल है बट अगर आप एक बुक को ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक से टू वीक्स डिड करते हो कि यार ये मैंने दो हफ्ते में खत्म करनी है पच्चीस <laughs> मिनट

कि कोई दौड़ नहीं है डोंट मैच मी वो कहते सर आप इतनी किताबें पढ़ते हैं हम भी पढ़ना चाहते हैं मैंने कहा डोंट मैच मी इट्स नॉट दैट आप मेरे से भी अच्छा पढ़ सकते हैं लेकिन अभी क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं आप महीने में एक किताब खत्म करें और hmm. वो आपने क्या करना आप साढ़े बारह मिनट पढ़े हैं। नो बिग डील यार साढ़े बारह मिनट पढ़ना इज नो बिग डील आप महीने में एक किताब खत्म कर लेंगे दैट्स दैट्स आई फ्रॉम पीपल इट आपने अभी तक तकरीबन वी आर टॉकिंग दो प्लस बुक्स दो के करीब दो हज़ार से रीड कर रहे हैं साल की उम्र से oh. तो how this आदत इम बैड यू के इतनी कम उम्र में कि मैं तो बहुत कम ही ऐसे लोगों को शायद देखा हो जो कि इतनी कम उम्र से बुक रीडिंग के शौकीन इज इट यू आर क्यूरियस अबाउट या स्कूल की कोई खास ट्रेनिंग या पेरेंट्स की वजह से पेरेंट्स स्पेशली मॉम अंग्रेजी बोलना अंग्रेजी बोले अच्छा मेरे जो नाना थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ काम किया हुआ थानी वॉज वेरी फ्लूंट इन इंग्लिश सो शी सेट द बेंच मार्क मेरे जो बच्चे होंगे ना वो अच्छा पढ़ेंगे अच्छी किताबें पढ़ेंगे और अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे सो दैट वॉज वन ऑफ द मोटिवेशन फैक्टर्स स्कूल हमारा बहुत अच्छा था सिटी स्कूल में हम लोग पाँच बहन भाई सारे सिटी स्कूल में जाते थे उस जमाने में तो स्कूल में टीचर मेरे जो इंग्लिश के थे ना वो बहुत अच्छे थे वर्ल्ड एनी मोर बट दो थ्री दैट इज स्पेंड विद हिम फ्रॉम क्लास थ्री फोर्थ उनकी क्या वो क्लास में आप लोगों को क्या ऐसी तरगीब दिया करते थे uh, उनका जो पढ़ाने का स्टाइल था ना वो बड़ा जबरदस्त था ही यूज टू कीप कीपेजड एनी यूज टू रेफर बुक्स कि आज द की पढ़नी है आज द रो, रोल डाल की सीरीज पढ़नी है आज को पढ़ना है आज रॉबर्ट लुइस टन को पढ़ना है सो so ही अच्छा एक तो कोर्स बुक्स है ना कोर्स hmm. बुक्स के अलावा ही टू कीप अस इंटरेस्टेड इन द बुक्स सो दैट मेड मी क्यूरियस अच्छा मैंने किताब पढ़ी नई ट्वेंटी थाउजेंड लीगज अंडर दी यूज वर्न की आई रिकमेंड एवरी चाइल्ड फ्रॉम द एज ऑफ

So, what are you teaching in yeah, India? What are you preaching in that book? <laughs> uh, it carries a bit of my life, uh -huh. the ups and downs I've gone through in my life, what has made me what I am today, whatever little I have achieved in my life, and the journey is going on. And it is a synthesis of the top 50 books that have impacted me the most in my life. So, for people, तो मेरी किताब के थ्रू वो एक किताब दस मिनट में पढ़ पाएंगे टॉप बुक्स हैं कैन ट्रांसफॉर्म पीपल एंड हैव है बुक, Sex, सिमोन को समझना है तो सिमोन डिबोआर नहीं पढ़ा तो आप फेमिनिज्म नहीं समझ सकते जो हमारे हर साल जो है वीडियो भी की आपकी शायद अफरीदी की रिव्यू वाली औरत मार्च वाली

इट वॉज बेसिकली अवमेंट टू एम्पावर वेमन और उनको पहले वोटिंग राइट right से शुरू हुआ कि यार आप इनको वोटिंग क्योंकि इसमें फर्स्ट वेव सेकेंड वेव थर्ड वेव फेमिज इस तरीके से वेव्स आई देन इवेंचुअली वोट के बाद उन्होंने कहा कि भाई अब वेमेन को आपने जो है ना सोसाइटी में इक्वल हिस्सा देना है आपने जायदाद में हिस्सा देना जो इस्लाम वैटन इट फोर्टीन हंड्रेड ईयरस बैक सो उन्होंने जायदाद में हिस्सा देना शुरू किया उसके बाद जब ये सिमोन, फोर्थ वेव के बाद ये सिमोन डिबार एंड देन फोर्थ वेव हुआ ये कि सेड कि खातून अब ये थोड़ी सी फिलोसॉफिकल फलसफियाना बात है उसकी जो बुक का नाम है ना सेकेंड सेक्स की वो कहती है मर्द है एक औरत को डिफाइन किया जाता है मर्द के परस्पेक्टिव से सो मेल इज द ओनली सेक्स और जो उसका एंटी है वो है फी मेल hmm. वो कहती है औरत एग्जिस्टेंशलिज्म की जो फिलॉसफी है ना वो कहती है एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स मैं पैदा होते अगर मैं लड़का पैदा हूं मैं पिंक क्यों नहीं पहन सकता mm -hmm. मैं गुड़िया से क्यों नहीं खेल सकता ठीक है मैं फ्रॉक क्यों नहीं पहन सकता सो फेमिनिज्म इज इज इज़ लिबरलिज्म कभी थोड़े से उसमें नोट्स आते हैं फेमिनिज्म के अंदर सो दे बिलीव कि औरत को मर्जी है जो वो मर्जी करे उस वाइफ्स देक वो जो है ना मेरा चाहेगी तो बच्चा पैदा करेगी नहीं चाहेगी तो नहीं बच्चा पैदा करेगी सिमोन डिबोआर कहती थी आई हेट हाउस वाइफ्स क्यों हाउस वाइफ आर डिपेंडेंट ऑन देअर हसबेंड्स राइट And she doesn't want a weak, she doesn't accept, she doesn't acknowledge of a weak uh, female, a weak woman. She doesn't acknowledge that. She wants women to be powerful. Acha the extreme form lesbianism. We don't need them. We will derive sexual pleasure ourselves. So, lesbianism is also a part of deep rooted, which uh, is. एक्सट्रीम फॉर्म में यहाँ तक जहाँ तक इक्वल राइट्स की बात है वोटिंग राइट्स की बात है जहाँ तक मेल्स के साथ इक्वालिटी इक्विटी की बात है वहाँ तक बिल्कुल ठीक है नो प्रॉब्लम इन दैट बट द प्रॉब स्टार्ट गोइंग इन टू एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फेमनिज्म तो सो यू रियलाइज के वही जो हमारे पाकिस्तान की फैमनिस्ट जो निकलती हैं जो कि उन औरतों पर जो ज्यादा ज्यादियाँ होती हैं उनके लिए सवाल उठाती हैं कि क्यों हो रही हैं या जो उनको राइट्स नहीं मिल रहे डू यू थिंक दे रियली आर रिप्रेजेंटिंग नहीं मैंने मैं एक और किताब का भी रिव्यू किया था अगेंस्ट वाइट फेमिनिज्म अच्छा ये एक और इसमें कड़ी है वो क्या है एक है फेमेज इन देर इज वाइट फेमिनिज्म वट इज वाइट फेमिनिज्म ग्लोबली नेम इफ यू सी फेमिनिज्म की जो मूवमेंट के लीडर्स हैं ना वो कौन है सफेद एलीट खीन तो भाई जो फेमिनिज्म का जो अब्यूज का शिकार है वो खातून तो रिप्रेजेंटेड ही नहीं है उसके अंदर hmm. आप जो औरत मार्च में लेके निकलती हैं मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम ए ए क्लास राइट उनका एक है सोसाइटी के अंदर दे आर वेल ऑफ सो दे दे गो आउट बट वेयर इज द वेन जो तंदूर में रोटी लगा रही है वो का है? उसकी रिप्रेजेंटेशन का है? उस बेचारी को तो पता ही नहीं है ना कि मुझे कोई रिप्रेजेंट कर भी रहा है उसी को तो एम्पावर करना है

या मेरे साथ इक्वालिटी नहीं हुई एज अमेन एज अ वुमेन तो सोसाइटी क्या कहेगी यार ये या तो कमजोर खातून है एंड फेमिनिस्ट हेट कॉल्ड वीक बी सो आई एम नॉट अगेंस्ट द फेमिनिज्म फिलोसफी आई डव टेल इट विद रिलिजन आर रिलिजन आई एम नॉट सेंगे हमारा रिलिजन जो है वो मतलब आई बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ कि भाई अगर कोई हिंदू बैठा हुआ है कोई क्रिश्चियन बैठा हुआ है हमको उनको भी इतनी रिस्पेक्ट और इज्जत देनी चाहिए लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन लेकर आए मदीना के अंदर जो दीन इस्टेबलिश किया वो इतना तेज़ फैला कैसे वन ऑफ़ द नई मेन फीचर ऑफ़ दैट वॉज द बैलेंस दैट ही क्रिएटेड बिटवीन बोथ मेल एंड फीमेल उसको समझना चाहिए औरत जो है वो घर की मलका है घर के सारे काम घर के बच्चों की परवरिश आपकी नई नस्ल की परवरिश कौन करता है मेनली औरत ही कर रही होती है ना बिल्कुल तो इस्लाम ने औरत को घर का मल का बनाया और मर्द को बाहर काम अच्छा इसमें इसमें भी नहीं पता क्या है uh, अ, खतीजा को इफ यू सी शी अ बिजनेस हैजरत आयशा शी फॉट वॉर्स सो इस्लाम की ब्यूटी ये है कि रिलीजन हमारा जो है वो एम्पावर करता है खुतिन को और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आपकी खब खून जो है वो बाहर जाके काम करे पाकिस्तान मैं कहता हूं पाकिस्तान अभी आईएमएफ के पीछे तरले कर रहा है ना यू नो इफ विमेन पार्टिसिपेशन इन आर इकोमिकायव परसेंट फाइव टू टेन परसेंट आर जी डी बी ग्रिल बी समे अराउंड फोर्टी बिलियन डॉलर जी ग्रोथ वी नीड एनी आई एम एंड वर्ल्ड बैंक सेन एनी अगर खातून की पार्टिसिपेट मैं कहता हूं अगर चौदह है ना आप इसको अठाईस परसेंट पर ले जाए Mm. And And you 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 uh, like ई तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल oh हुआ है God. और मेरे ख्याल में सैलरीज उतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है इफ इवन यू आर वर्किंग इन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर इवन बिजनेस ना तो आपको क्या लगता है अगर ये नहीं होगा नहीं वी विल कंटिन्यू टू बी इन दिस को एग मायर यही विशेष सर्कल में हम लोग घूमते रहेंगे यारे जो ट्रेडिशनल फैमिली खेलो या Uh, जब औरतें शादी कर लेती हैं उन पर्टिकुलर हस्बैंड्स का माइंडसेट कह लो और मैं बात कर रहा हूँ नॉट ऑफ द इ और अपर मिडिल आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास एंड द मिडिल क्लास राइट तो आपको क्या लगता है कि बाय बाय रेड सो मैनी बुक्स फ्राम सो मैनी डिफरेंट ऑथर्स एंड सो मैनी जॉनर लाइक यू विल हैव योर ओन परसेप्शन ऑफ इट एज वेल आपको क्या लगता है कि जो लोअर मिडिल क्लास जो मिडिल क्लास है वो अपनी औरतों को वर्क फोर्स में आने के लिए इनक्रेज करेगा सोसाइटी मैं बताता हूं बिल्कुल करेगा नहीं रीजन है इसकी रीजन ये है कि हर सोसाइटी इवॉल्व करती है इरतकारी अमल से गुजरती है इफ यू सी नहीं पीरियड uh, था डार्क एजेस गलीलियो ने कहा कि भाई अर्थ इज नॉट देंटर ऑफ द सोलर सिस्टम सन इज देंटर ऑफ द सोलर सिस्टम कलीसा ने क्या किया उसके साथ चर्च ने क्या किया उसको प्रोसिक्यूट कर दिया राइट right? कलीसा का इतना पावर थी कि कोई बोल नहीं सकता था वहां पर राइट right? लेकिन वही यूरोपियन सोसाइटी रेनेसांस आया रिबर्थ ऑफ लर्निंग हुई दे चेंज देअर मॉडल सिमिलरली आई फील पाकिस्तान में भी ये होगा लाइक द वे इट हेजन इन बांग्लादेश इन इंडिया

टी 20, 20 I, I yes, yes. मुझे जो लगता है ना कि हमारी जो जनरेशन है जो मिलेल की है yes. जो कि नाइनटीन एटीज में हुए थे है. और उनकी जो औलादें हैं सही है तो वो इस चीज़ को समझते हैं दे अंडरस्टैंड एम्पावरिंग देयर डॉटर्स सही है उससे वाकई में कुछ बना एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दोज़ हु कैन अफोर्ड इट अगेन वो यहाँ पर सेग्रीगेशन करना बड़ा ज़रूरी है बिकॉज वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास तो बेचारा जो है वो ज़रूरियात के पीछे ही है तो शायद वो इतना एजुकेट ना करें बट आई सी दैट हैपनिंग के अब लोग अपनी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल बिकॉज दे हैव सीन के यार अगर वो ना पढ़ें और वो माशरे का या किसी भी घर जिस घर में वो जाएंगी अगर तो वो तालीम याफ़्ता नहीं होंगी तो वो अपने बच्चों की क्या तरबियत करेगी राइट बिल्कल अगर बिल्कल अगर उसने काम करना भी नहीं है वर्कफोर्स का हिसाब बनना भी नहीं है तो इन ऑर्डर टू बिकम बेटर मदर्स टू फर्दर इक्विप देयर किड्स दे हैव टू बी एजुकेटेड राइट और शायद ये पिछली वाली जनरेशन शायद इसको इतना सीरियस नहीं ले रही थी बिकॉज वो ये था कि कम उम्र में ही शादियां हो जाती थी और बस फिर बच्चे ही पैदा करना और उनको ही संभाल संभालना जो है उनका काम था बट ना इसी के लोग अवेयर हो रहे हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं मैं इसके बुक बड़ी की उससे लीवरेज करते हुए द पावर ऑफ सोशल मीडिया आई विजिट मेरे जो फेवरेट प्रोविंस है ना वैसे तो मैं आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम पंजाब किस शहर से भावलपुर से भावलपुर से हमारी जो जमीने वगैरह और जो पुराने जो दादा वगैरह ही दे बेसिकली बिलोंग फ्रॉम बहावल नगर राइट सो आईव स्पेंड अफ टाइम इन सदन पंजाब लेकिन मेरा बलोचिस्तान मैं बहुत जाता हूँ क्योंकि मुझे मकरान you, oh uh, कोस्टल्ड Inshallah. Inshallah, you, your perspective about I I have, but, uh, I don't know whether I have to talk about it or not. The adversities that Balochis people are going through or वहाँ पे एक perception दिया जाता है कि इस, किसी ज़माने में जब के पी के में वो धमाके शमाके वो दो हज़ार 2008 से 12 का दौर अगर मैं याद करूँ mm -hmm. तो वैन आई यूज टू आस्क माई फ्रेंड्स के पेशावर आज देश है यार वहाँ पर तो हालात बड़े खराब हैं यार आपके पिशावर में तो जो है yes. रेडियो में जो है वो बंदूकें बिक रही हैं येमर अबाउट बलोचि के यार वहाँ पर जो है हालात खराब हैं जंग हो रही है कभी पाक आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं कभी उस साइड वाली मुझे so, mm -hmm. तो कभी कुछ भी

Um, इतना बड़ा पोटेंशियल हमारा वहां पे है मैं कहता हूँ नहीं अगर उर्मारा एक बीच है वहां पे ब्यूटिफुल बीच द वे देव डिवेप गवादर और इज ईजली आई थिंक द बेस्ट देश रेटेड एज द बेस्ट बीच इन पाकिस्तान जो उसके पीछे टेबल माउंटेन है वहाँ पे नेवल बेस है पाकिस्तान की आई थिंक इट्स सेकंड बिगेस्ट नेवल बेस ऑफ पाकिस्तान इफ़ दे डेवलप डिप एज अ रिजॉर्ट आईलैंड ने क्या किया है बताया और फुकट जाते हैं हम लोग क्या किए उन्होंने

डिस्ट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ बुक्स इज वेल तो अभी मैं रिसेंटली गया था ठट्टा में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल और गवर्नमेंट बॉयज स्कूल वेरी वेरी शेबी लुकिंग कंडीशन बड़ा बैकवर्ड एरिया है रेलेटिवली बदीन से बेहतर है लेकिन फिर भी ठट्टा एक बैकवर्ड एरिया है बट जो मैंने वहाँ पर नईम जो मैंने स्पाक लड़कियों में देखा है अनबिलीवेबल भाई Mm -hmm. कोई एक्सपोजर नहीं है बट स्टिल दे वॉन्ट टू गो जो बात की थी ना कि ये मिडिल क्लास उठेगी लोअर मिडिल क्लास लड़कियाँ पढ़ेंगी उस ये वो लड़कियाँ हैं जिनके जो फादर हैं वो शायद रिक्शा ड्राइवर हैं या कोई मोची है या कोई हारी है किसान है उनकी बच्चियाँ पढ़ने आ रही हैं एंड देम लॉट ऑफ देम सेंड मी मैसेजेस ऑन इंस्टा के सर सपोर्ट है हमें और पढ़ना है When you say, आपने बलोचान पोटेंशियल की बात की तो यूर टैट पोटेंशियल अगर हम बात करें ना तो बलोचि में तो शायद आ, हमारे हमने एक पॉडकास्ट की थी इन दैरी अर्ली डेज ऑफ दिस पॉडकास्ट जिसमें एक साहब थे जो कि सी एस एस ऑफिसर थे जो वहाँ पर डिप्लॉयड थे उन्होंने वहाँ पे स्कूल भी बनाए एंड ही वाज टेलिंग यार स्कूल्स का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ना होने के बराबर है सही है तो इन टर्म्स अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक स्कूल्स वाइज बिकॉज आपने कहा कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट वट अबाउट स्कूल स्कूल्स हैं भी या नहीं schools है स्कूल अच्छे हैं भी नहीं, है नहीं अच्छे है। नहीं है सरकारी लेवल के सरकारी सारे सर, सरकारी स्कूल सब है? पूरे बलोचिस्तान में सरकारी स्कूल्स है बड़ा जो शहर है जैसे पे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं लेकिन जो बच्चा है का ना मैसेज वो इन्हीं सरकारी स्कूलों से आएंगे और द गुड थिंग इज नहीं वेन यू विल गो इन टू दीज एरियाज देखो एक पोटेंशियल है ना किसी को मारना है तो उसकी जहन साजी हाँ। बंद कर दो द ब्यूटी ऑफ द पीपल ओवर देयर इज दे हैव दैट इनहेरेंट विल टू ग्रो हमें उसको राइट right चैनल पे लेके जाना है हमें पटरी देनी है उनको, उनको सिरा देना है धागे का वो अंट उसको खुद ही कर लेंगे वो सिरा ही तो पकड़ाना है उनको उस सिरा पकड़ाने के लिए मैं मैं हमेशा ये कहता हूँ अब फॉरगेट द गवर्नमेंट यार चाहे इमरान खान साहब हों या नवाज शरीफ हों या जरदारी हों मैं कभी भी किसी को बैश नहीं इन नैन ऑफ माई seen कि मैं एक रेंटिंग कर रहा हूँ प्रॉपर कभी भी मैंने नहीं किया हमेशा मैं ऑब्जेक्टिव रैशनल बात करता हूँ खान साहब भी आ जाएंगे वेल एंड गुड जो खान साहब ने करना है कर दें hmm. लेकिन ये मुल्क चेंज होगा जब हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे citizens, हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट स्पेशली इन द एजुकेशन सेक्टर मैं 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 आपको अभी बताता हूँ बिकॉज पाकिस्तान वो मुल्क है जब से बना है तो एजुकेशन वाइज और हेल्थ वाइज हमेशा से स्ट्रगल कर रहा है नाइनटीन सेवन से हाउ डू यू प्रोपोज लाइक इन योर ओपिनियन के जो एजुकेशन सेक्टर है जो हम बात करते हैं ना एजुकेट और एम्पावर की आज के जेन जी और जेन अल्फा की तो हाउ डू यू प्रोपोज एक बहुत ही निम्बल बहुत ही छोटा सा एक फार्मूला है ठीक है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ एंड इन शह इन द नेक्स्ट टू थ्री मंथस्यूटे नहीं माशा कंप्यूटर इंजीनियर राइट यू नो इनसाइड आउट ऑफ हाउ कंप्यूटर साइंस वर्कस राइट यू हैव दैट ब्रेन पावर अगर मैं कहूँ नईम आई वॉन्ट वन आवर फ्रॉम योर वन वीक एंड यू आई विल टैग यू टू वन गर्ल और वन बॉय इन ठट्टा उसको आपने ऑनलाइन सिर्फ कोच करना मैं टॉर्नशिप करनी है कोचिंग करनी है उसकी जिंदगी बनाने के लिए विल यू बी विलिंग टू डू दैट एल अगेन इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव टू बी फ्रेंकली ऑनेस्ट विद यू कल रात को मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया देर इज़ अ परसन इज़ डूइंगज पी एच डी इंटर की ना ही सेड के सर मेरे स्टूडेंट्स एंड वी लिसन टू य पॉडकास्ट एंड वी रियली लाइक द वे यू कंडक्ट दिज एंड आई वुड लाइक टू हैव यू ऑन अ जूम सेशन ना तो वो जब मैंने अपना स्केजुअल देखा बिकॉज आई हैव टू रन टू थ्रीवेंचर्स राइट So I said like it would be better if you come whenever you come to Pakistan and we sit down and whatever you wanna ask me, we can do it at a podcast yeah. and then you can share those that particular episode with your students or Jo learn which whatever topic you wanna decide. Now so it is again subjective. Yes, some people may say at least people fifty percent of the people may say yes. Yes. We can contribute one hour of our time. One 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 hour. फिलोसफी या फलसा इसके पीछे टाइम ये मुझे शहरी एक बच्चे को एक स्टूडेंट को यापोरेट प्रोफेशनल को गाँव के एक बच्चे से टैग कर देना है अच्छा ये प्रॉपर वेटेड होगा दिस विल नॉट बी अ रेंडम टैग दिस विल बी प्रॉपरली वेरीफाइड गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बिजनेस आता है तो वाई कांट आए मेन्टोर वन गाय इज स्टडिंग इन फोर्थ और फिफ्थ क्लास और मैं उसकी जिम्मेदारी लूँ फ्राम क्लास फोर्थ ऑल दिल्ली ग्रेजुएट्स वो मेरे साथ लगा रहा है व्हाट्सएप के थ्रू कॉल्स के थ्रू मैं उसको बताऊँ अब तुमने ये करना है अब तुमने ये किताब पढ़नी है अब तुमने ये कोर्स करना है मेट्रिक के बाद तुमने ये करना है एप्लीकेशन अगर तुमने डेवलप करनी है तो ये लैंग्वेज सीखनी है पायतन करनी है ए आई करना है वट एवर दैट इज आई जस्ट नीड टू गिव एम माई टाइम दैट्स इट और अगर मैं एक बच्चे को अपनी जिंदगी में उसकी जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर सकूं, दैट विल बी द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन सो इफ आई टैप थाउजेंड पीपल एंड फिफ्टी परसेंट का अगर सक्सेस रेशो रखूँ तो पाँच सौ विल अग्री टू दैट सो फाइव हंड्रेड किड्स की हमने एजुकेशन इंटेलैक्चुअल ग्रोथ कर दी और जब एक बच्चा पढ़ जाता है ना नहीं तो मैंने कैलकुलेशन किया साढ़े चार सौ पाँच सौ साल की जिंदगी बदल देता है mm -hmm. अपने माँ बाप की बड़े होकर अपनी वाइफ की अपने तीन बच्चों की अगर एवरेज में तीन बच्चे लगाऊ इन सब की ज़िंदगी को कम्बाइन कर दें अगर एक बच्चा ग्रेजुएट कर जाए वो इन पूरी साढ़े चार सौ पाँच सौ सालों की जिंदगी को एलिवेट कर देगा जस्ट इमेजन सो आई पर्सनली डोंट रिलाई ऑन गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट्स को जो करना है लेट देम डू मैं हमने देखना है नईम ने शाहरुख ने सलीम नेशा ने सिदरा ने, ने, ने कि हमारा पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है अपने मुल्क के लिए Hmm. That's the philosophy I believe. And in. and the one-on-one -on -one thing that you just talked about वो क्या है कि किस किस्म की का connection एक student का क्या लो या जो mentor आप उसके साथ in touch कर रहे हो किस किस्म का मतलब is he gonna teach him some mathematics or stuff like that या career advice या what it can be it can be academic as well mm -hmm. so math science physics biology chemistry whatever that is Mm -hmm. and then असल mentorship चाहिए होती है when you are एट द एट्थ नाइन्थ टेंथ लेवल वैसे तो प्राइमरी लेवल पे भी यू नीड मेंटोरशिप ऑल द वे अक्रॉस योर एकेडमिक लाइफ लेकिन जब उसका जो मेक और ब्रेक है ना दैट्स आफ्टर मेट्रिकुलेशन ड्यूरिंग मेट्रिकुलेशन एंड आफ्टर मेट्रिकुलेशन कि उसने करना क्या है क्या वो हाई स्कूल करके एक मोबाइल की दुकान खोलेगा राइट mm -hmm. right? ये भी ऑप्शन है या वो बेचारा जो कसाई का बेटा है या रिक्शे का बेटा है उसने रिक्शा ही चलाना है ये कितनी बड़ी ज्यादा है

ये अब अब ये किन की जिम्मेदारी है वो लोग जिनको समाज ने अल्लाह ने हमारे मुल्क ने एक प्रिवलेज स्टेटस दिया है पीपल लाइक यू पीपल लाइक मी थैंक्स टू अल्लाह कि उन्होंने हमें अल्लाह ने हमें ये मौका दिया कि तुम पढ़ लिख जाओ यार और तुम पढ़ने लिखने के बाद अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो एंड आई चैनल माय लाइफ मैंने बिल्कुल कॉपी किया हुआ है हज़ूर पाक अलैहि वसल्लम का मॉडल फर्स्ट फॉर फर्स्ट फोर्टी इयर्स नाइम ही इन्वेस्टेड इन हेम सेल्फ सादिक और अमीन कहलवाया वोज एन एक्सपर्ट नगोशिएटर ही वॉज एन एक्सपर्ट डिप्लोमैट जो कबीले थे आस पास के वो उनको बुलाते थे कि मोहम्मद सल वसलम को बुलाओ वो हमारे मसले सॉल्व करेंगे सो ही इन्वेस्टेड इन हेम सेल्फ अपनी करेक्टर बनाया अपनी पर्सनैलिटी को डिवेल्प किया टिल द एज ऑफ फोर्टी एंड ही अनलिस फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री इयर्स गेव बैक एवरी थिंग इज विजडम इज़ इंटलैक्ट इज़ नॉलेज इज कोचिंग इज मैंटरशिप साहबा कराम जो थे ये तो नॉर्मल लोग थे ना अरबी बदू कौन थे बकरियाँ चराने वाले थे लेकिन उनको मालिक बना दिया अरब का एंड देन इस्लाम स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर हाउ डिड डू दैट थ्रू पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट थ्रू कोचिंग थ्रू मैंटोरिंग एंड दैट्स वट आई थिंक आई शुड डू एंड ऑल ऑफ आई शुड डू

to get to 60000 subscribers oh wow so what mai ek philosophy believe karta hu wo hai compound effect mm. einstein ne kaha tha compound effect is like the eighth wonder of the world ye maine bahut pehle darren hardy ki ek book hai compound effect ke naam se maine kaha tha ki मुझे अपने content के ऊपर confidence. I am not being pompous or about this कि self centered होंगे मेरा कंटेंट बेस्ट आई एम नॉट सेइंग दैट लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरे मूल को इस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे बोलते जाना है मुझे कॉन्टेंट क्वालिटी कॉन्टेंट क्रिएट करते जाना है एंड दैट टाइम केम वैन इट स्टार्ट एंड आई थिंक इफ ऑल गोज़ वेल अल्लाह की मेहरबानी रही तो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स विल क्रॉस हंड्रेड थाउजेंड सब्सक्राइबर्स इनशाला इन शाह थाट इसके पीछे ना कोई कमर्शियल थाट है नहीं मैंने बताया दर इज़ नो कमर्शल थाट बिहाइंड दैट कोई मुझे पैसे नहीं कमाने इससे जो मैं कमाता हूँ यूट्यूब से आई इन्वेस्टड बैक ठीक है एंड

सो इट कैन बी वर्चुअल एज वेल जैसे कि खलीफा मामून ने की थी एट्थ सेंचुरी में mm -hmm. बैतुल हिकमा के नाम से हाउस ऑफ विजडम और उस बैतुल हिकमा ने नईम कौन कौन उस फ्राम उसका पर्पज़ ये था खलीफा मामून ने कही वोज अ वेरी इंडस्ट्रियस डायनामिक पर्सन तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के इल्म को मैं यहाँ पर इकट्ठा करूंगा तो वो बाहर से जो ऑथर्स आते थे चाइनीज या बाकी लैंग्वेजेस से जो अरबी में किताब को ट्रांसलेट करता था ही यूज टू वे हिम इन गोल्ड और उतना वो गोल्ड देते थे उनको पूरी दुनिया से स्कॉलर्स, फ़िलासफर्स जमा करते थे वहाँ पे। लाइब्रेरी थी वहाँ पे। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होते थे सो जस्ट इमेजिन कि उस वजह से मुस्लिम्स प्रोड्यूस्ड टॉप साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड इबन लम पिनोल कैमरा जिन्होंने बनाया अलबेरूनी पिंड दादन खान में बैठ के जस्ट इमेजिन

The, from these areas asian uh, muslims so through education you can turn around the life europe was in dark ages hmm. but muslim world was growing and then what happened after the 11th 12th after the 12th century we haven't won we haven't developed muslims have not developed or invented or discovered a single meaningful uh, ज़ वेरी शॉकंग न कि मुस्लिम वर्ल्ड अपने अरूज पर जा रही है देर वैल्यूंग द एजुकेटर्स द टीचर्स दाइंटस्ट ऑल ऑफन कौन से ऐसे लोग देखो आपकी जनरेशन जा रही है आपके हुक्मरान जो है वो तालीम पर ख़र्च कर रहे हो उसकी डिवेलपमेंट पर खर्च ल ओ व होता क्या है कि वो जवाल क्यों आता है क्यों ऐसे लोग आते हैं बीच में जो कि आयाश पसंद होते हैं जबकि पूरी एक जनरेशन चल रही है जबकि किंग के बाद किंग आ रहा है और तालीम पर काम हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम हो रहा है आखिर ऐसा होता क्या है कि ये नक्शा पलट जाता है लोग एजुकेशन को छोड़ कर दरबारों में म्यूज़िक को डांस को दैट आई

का बजट है ना इन सब का मिला के दुनिया में जितनी भी आरएनडी होती है mm -hmm. हम लोग अगर पॉपुलेशन देखें तो मुस्लिम्स की 25% 8 अरब पॉपुलेशन है दुनिया की उसमें से 25% फीसद है मुसलमान है लेकिन आरएनडी में इन सारी कंट्रीज का जो क्यूम्युलेटिव कंट्रीब्यूशन है दैट्स ओनली 2.5% तो It's क्या हमने डेवलपमेंट दे न्यू दैट्स नथिंग आई आई टेल यू इसके ऊपर एक बुक है फिरास अल खतीब की लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री तो उसके ऊपर मैंने रिव्यू किया हुआ जो क्वेश्चन पूछा ना नहीं वो था कि ये हुआ क्यों उसमें फिरास अल खतीब ने बताया ये हुआ क्यों सो इट्स बेसिकली अच्छा कुछ लोग कहते हैं मोंगोल्स आए उन्होंने इराक के ऊपर धावा बोल दी और जंगें हुई और ऑल ऑफ दैट मुस्लिम्स एक्चुअली हुआ भी यही था इनिशियली मुस्लिम्स ने जो जो क्विंटिस वॉरफेयर था उसमें काफ़ी कामयाबियां नहीं और काफ़ी चीज़ें उन्होंने मॉडर्न जो हथियार थे वो डेवलप भी किए यूज़ भी किए बट इवेंचुअली मंगोल्स के एम दे डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिविलाइजेशन एंड देन आहिस्ता आहिस्ता जो मेजर डिक्लाइन शुरू हुआ ना जब हम लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस जब ईजाद हुई यूरोप में हमने कहा यार की गैर सल्तनत सल्तनतानिया के दौर पर हाँ यस यस आई थिंक इट वॉज इन सेंचुरी

हम क्यों आर एंड डी में जब हमें पता है कि तरक्की का राज इसी में है इफ़ वी ईजाद होल लाइक द सीक्रेट सॉस फॉर दैट और हम जो है दुनिया को बेचेंगे वाई वी आर नॉट डूइंग दैट देखो सऊदी के पास तो पैसा है सही है अगर पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है सऊदी हैज ऑयल मनी टर्की इज अ ग्रेट इकॉमी बहुत सारे इस तरह के स्टाइम बल्कि सोलह सौ पंद्रह में सर थॉमस रो आए सब कॉन्टीनेंट द फर्स्ट एम्बेसडर फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर सर थॉमस रो 1615 में आई थिंक उस वक्त जहांगीर की हुकूमत थी वो बादशाह सलामत के पास है बादशाह सलामत के पैर चूमे उस वक्त कस्टम था कि वो जो एम्बेसडर आता mm. था डिप्लोमेट होता था वो बादशाह के पैर चूमता था उसने कहा बादशाह सलामत मेरा सलाम एक्सेप्ट करें एक्सेप्ट माई ग्रीटिंग्स एंड आई ब्रॉड गिफ्ट फॉर यू एंड योर वजराज इन मिनिस्टर्स उन्होंने तो कहा ठीक है जब पेटी खुली तो पेटी में से क्या निकला दूरबीनें उस जमाने की मॉडर्न तरीन चीज एनके टूल्स राइट वज़ीर पागल हो गए बादशाह भी कहते यार दिस इज अमेजिंग अगले दिन बादशाह सलामत ने सर थॉमस रो को एक लिस्ट दी सौ दूरबीनें पचास चिमटे और दो सौ के मतलब इस तरह की कोई लिस्ट दी सो वट डज दैट मीन यू सेफी रात दिन वॉट आर द मैकेनिकाउ डज अटिकल वर्क हाउ डज दिस स्ट्रेंज बायनोक्यूलर वर्क देर वॉज नो इंक्विजिटिव देर वॉज नो क्यूरियासिटी इन स्टेट दुबई में क्या है पैसा है लो इम्पोर्ट कर लो खुद नहीं जनरेट करना That is what is lacking. So intrinsically we are, it's unfortunate, but let's call a spade a spade. We are not research oriented. Mm. We need to be more indigenous and develop export. Everything is dovetailed to export. Mm. If you're an export oriented economy, you will have a balance of payment surplus and your people will do well. That's the trouble. शायद हमें पैसे जल्दी चाहिए जिसकी वजह से हमने इकोनॉमी एक को स्टेमुलेट करने और आर डी की चीजों में साल दस साल बीस साल भी लग हाँ, हैं। अब आरे मैंने आरे वो मैथ्यू वॉकर का जो स्लीप वाला है हाँ, वो आई एम बीस साल नींद के ऊपर रिसर्च करने फाइंड सो फैसिनेटिंग इन दैट बुक अमेजिंग 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 बुक द नेम ऑफ द बुक इज वाई वी स्लीप वाई वी स्लीप तो थोड़ा सा उसका खुलासा कर दे। बिकॉज हमारे पाकिस्तानी तो नींद के मामले में ना रात को दो, दो दो बजे तक बाहर बैठे होते हैं यार दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे चाय चल रही होती हैं फिर सोते हैं आके दो ढाई तीन बजे फिर सुबह उठ रहे होते हैं आठ बजे क्योंकि ऑफिस भी जाना है अगर ऑफिस भी नहीं जाना तो चलो दस ग्यारह बजे उठ जाओ अगर दुकान पे जाना है तो अवर कल्चर ऑफ स्लीपिंग एंड वेकिंग अप ऑन टाइम इज क्रश्ड लिटरली

अब मैं कहता हूँ कि भाई श्रीलंका में गया या आप दुबई जाते हैं वहाँ पे सुबह सात बजे दुकानें खुल जाती हैं इसी तरह बिल्कुल सो वाई कॉन्ट वी डू दैट वाई कॉन्ट वी डू ओवर अवर सो वाई वी स्लीप में उसने मैथ्यू वॉक कर कमाल एवरी वन शुड रीड दैट नहीं पढ़नी तो बुक बडी पे मैंने उसका रिव्यू किया हुआ पीपल कैन वॉच दैट एक तो वो बताते हैं हम लोग सोते क्यों हैं क्या रीज़न है हमारे जहन के अंदर वो क्या बला है जो हमें नींद बेसिकली इट्स रिदम विच हेल्प्स अस टू स्लीप हमारी बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक है जिस mm. तरह एक वॉच होती है क्लॉक होती है इस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक है दैट रेगुलेट्स आर स्लीप फिर हमारे अंदर एक केमिकल है एडीनोजीन एडीनोजीन केमिकल जब बढ़ता जाता है तो नींद आनी शुरू हो जाती है एव यू चाय पी के कॉफी पी के कैफीन लेके नींद क्यों मर जाती है एडीनोजीन mm. को कॉफी कम कर देती है उसके लेवल को सो एज एडीनोजीन ग्रोज इट इटमुलेट्स इट हेल्प्स अस टू स्लीप तो दिस इज वॉट यू लर्न नींद के जो सबसे बड़ी जो उसका टेक अवे है ना नींद के जो डिसऑर्डर्स हैं नींद ना पूरी होने की वजह से इंसॉमिया कैंसर हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक्स एल्जाइमर्स ऑल ऑफ दैट कैटाप्लेक्सी नींद पूरी ना होना या नींद टाइम पर ना नींद नींद टाइम पर अच्छा टाइम के बहुत सारे लोगों में में मेरे जहन में और मैं अपनी क्लैरिटी के एक होता है ना लोग कहते हैं कि यार आठ घंटे नींद करनी चाहिए डॉक्टर भी कहते, है। अच्छा, बाद उसने भी कहते भी, हैं उसने भी मैथ्यू वॉकर ने भी कहा आठ घंटे इज द आइडियल टाइम बट बट बारह से सुबह आठ रात को दस से सुबह 6 रात को दो से सुबह दस आठ तो पूरे और टाइमिंग डिज मैटर नहीं नहीं हाँ टाइमिंग डज मैटर

मैन यू वेक अप इन द मॉर्निंग सो आपके एनर्जी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर किताब पढ़ने की हैबिट डालनी है तो आप जो है सबसे पहले सुबह उठते ही पढ़ो क्यों सुबह जो हमारे हारमोनल हारमोन्स हैं ना वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज़ होते हैं टर्म्स ऑफ आर फोकस इन लाइफ सो द सॉर्ट ऑफ फोकस दैट यू हैव इन द मॉर्निंग एज यू एज द डे गोज बाई इट कीप्स ऑन डिटेर अब वो नीचे चला जाता है तो सुबह की जो अर्ली मॉर्निंग है ना उसमें आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो तो मैं कहता हूँ आई ऑलवेज से आई एट सेवर्टी सिक्स ओ क्लॉक बाय द टाइम द वर्ल्ड रीचेज टू वर्क आई एम डन फॉर द डे उसके बाद तो प्रोजेक्टाइल्स ही आ रहे होते हैं कि mm. ये खराब हो गई ये कस्टमर की कंप्लेंट है ये मसला है वो मसला है आपने जो इनिशियल छ से नौ बजे का टाइम है ना नईम इफ यू विन इट ओवर आई एम गारंटिंग यू थ्रू दिस पॉडकास्ट लिसन एवरी वन यू विल विन योर लाइफ

if anyone wants to improve their sleep, they need to relinquish their use of mobile. two a white light, this is the biggest impediment in our sleep. this absolutely, you know, it, it kills your sleep. बिल्कुल जो है ना डेसिमेट कर देती है आपकी इस नींद को बाय द वे यू आर मैरिड राइट कितने बच्चे हैं आपके आई हैव टू किड्स तो आपको इतना बच्चे भी टाइम पे सोते हैं या सिर्फ आपका अपना रूम है और आप चले गए भाई अच्छा मेरा एक, study, बद, मेरा एक स्टडी मैंने बाद मेरा एक स्टडी रूम है हाँ। सो आई हैव प्रोग्राम द फैमिली इन अ वे वे दे नो कि अब ये स्टडी में चले गए ना तो नाउ ही कैन नॉट बी डिस्टर्ब योर किड्स बाय द वे वन इज 8 एंड वन इज 4 आ, फिर तो बड़े हैं hmm. लेकिन छोटे बच्चे अक्सर सोने नहीं आए चार साल के बच्चे जो है ना <laughs> दे लाइक वो आप जहां पर भी जाओगे ना आपके पीछे आएंगे uh, yes. मेरे साथ तो एटलीस्ट घर में ये होता है इन वट एवर रूम आई एम गसिंग उनसे फिर आप आठ बजे you know, कैसे सोते नीचे बैठा होता है अच्छा <laughs> नहीं तो यही मेरा सवाल है कि जो बाल बच्चों वाले हैं उनसे पेरेंट्स दस बजे कैसे छुट्टी मतलब देख, देखो ये थोड़ा सा ना रूथलेस यू यू नो हैव टू बी अ क्योंकि आपको थोड़ा सा तो होना पड़ता है ना जिंदगी में देर आर सर्टन गोल्स मैं एक इंडिविजुअल हूँ इज ड्रिवन बाय लाइफ मेरी जिंदगी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मुझे अचीव करने उन ऑब्जेक्टिव्स दे आर द फोकल पॉइंट ऑफ माय लाइफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ माय लाइफ सम हाउ अलोंग विद द फैमिली सो द फैमिली नोज दैट शाहरुख इज एन इंडिविजुअल ड्रिवन मोटिवेटेड बाय अ गोल एंड एन ऑब्जेक्टिव इन लाइफ सो दे आर सपोर्टर्स दे नो के नाउ ही इज मैनेशन टू द स्टडी सो वी नीड टू सपोर्ट हिम सो थैंकफुली यू हैव अ लविंग फैमिली दे कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स योर सक्सेस दैट्स वॉट हैपन्समें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या नहीं यू नीड टू हैव द राइट पार्टनर इफ योर पार्टनर इज नॉट राइट

दो बुक्स हैं एक है and women can't एंड maps डोंट amazing एंड रीड एक का मैंने रिव्यू भी किया हुआ है पहली वाली का जॉन ग्रे की बुक है वो किसी ने शादी करनी है ना ये किसी की गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है दैट बुक इज अ मस्ट मस्ट रीड भाई इट टेल्स यू हाउ टू फाइंड योर लाइफ पार्टनर एंड हाउ टू लिव

ठीक है और खुवा का स्कोरिंग सिस्टम होता है अच्छा इन दोनों का स्कोरिंग क्राइटेरिया है फॉर एग्जांपल आप अपनी वाइफ को थाईलैंड ले गए वेकेशंस पे एंड यू स्पेंड वन मिलियन ऑन दैट ट्रिप वट यू एक्सपेक्ट आपको दस पॉइंट तो मिलेंगे ना mm -hmm. मिलेगा कितना एक पॉइंट <laughs> uh. <laughs> अगर आप अपनी बेगम का दरवाजा खोल देंगे गाड़ी से उतरते हुए इवन देन यू विल गेट वन पॉइंट कहाँ एक मिलियन का थाईलैंड का ट्रिप और कहाँ बेगम का दरवाजा खोलना गाड़ी से उतरते हुए सो दैट्स हाउ विमेन आर ट्यून्ड यू नीड टू स्कोर ऑन ट्रिवियल थिंग्स छोटी छोटी चीजों पे आपने अपने पार्टनर का दिल जीतना होता है हमारा माइंडसेट क्या होता है मर्दों का यू वांट टू स्पेंड हम वेकेशंस पे जा रहे हैं हम मैं तुम्हें ये गोल्ड रिंग लेके दे रहा हूँ मैं तुम्हें डायमंड रिंग लेके दे रहा हूँ ये आई द स्टार्स एंड मूनस राइट विमेन डोंट वॉन्ट दैट एक्चुअली वैसे तो दे वॉन्ट इट बट उनके जो डीप इनसाइड जो अनकॉन्शियस है ना दे दे बिलीव इन दैट कि भाई आप छोटी छोटी चीज़ें हस्बैंड की उनको केयर चाहिए हस्बैंड का उनको फुल अटेंशन चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों की जो है ना वो यू नीड टू बी अटीन टू देर नीड्स आपको उसको अटेंटिव होना पड़ेगा उनके लिए तो so इस तरह की बहुत सी बातें हैं उसके अलावा इफ़ आई रिमेंबर जॉन ग्रे ने और क्या बोला था हाँ वन जी ये, ये बड़ा मज़े का है ठीक है <laughs> इसमें ये है कि खातीन को जब कोई मसला होता है ना तो दे टॉक देर हार्ट आउट दे वॉन्ट टू स्पीक एंड स्पीक एंड स्पीक राइट अच्छा जब आपकी बेगम आपसे बात करेगी और आपको मसला बताएगी कि आज मुझे ये हुआ सास ने ये कहा या मेरी फ्रेंड ने ये कहा या स्कूल में या मेरी यूनिवर्सिटी में या मुझे कॉपरेट मेरे ऑफिस में किसी ने कुछ कहा सो वॉट डू वी डू वी गिव हर सोल्यूशन नाउ द वमेन साइकोलॉजी सेज दे डोंट वॉन्ट द सोल्यूशन वॉन्ट समू <laughs> जब के जब हम लोग परेशान होते हैं हम लोग क्या करते हैं वी वी टेंट टू बिकम सॉलिट्री हम लोग अलहदा हो जाते हैं वी हाँ. हम लोग चुप हो जाते हैं बेगम क्या समझती है यार ये तो मुझसे नफरत मोहब्बत ही नहीं करता ये तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है ये तो मुझे आजकल इग्नोर करना शुरू कर दिया एंड शी स्टार्ट आसिंग दिस क्वेश्चन क्या मुझसे प्यार भी करती हूँ या नहीं ओ भाई मैं अपने मसलों में खोया हुआ आई डोंट नो सो दैट्स वॉट आई वॉन्ट सो दैट्स सो औरतों के लिए इसमें यह है कि अपने हस्बैंड जब परेशान हुआ करें तो उनको थोड़ी देर अकेला छोड़ दें और मर्दों के लिए इसमें सीख ये है कि जब आपकी बेगम आपसे कोई बात शेयर कर रही हो तो उसका सोलूशन नहीं देना आपने यू जस्ट हैव टून अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है फॉर इंस्टेंस योर वाइफ आस आज पार्टी के मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ ये या ये वॉट डू वी डू हम लोग अपना पसंद बता देते हैं कि यार ये पहनना रॉन्ग अप्रोच सो शी से तुम्हें कौन सा पसंद है येलो वाला यार यही बेस्ट यही पहनो hmm. अब छोटी सी चीज है ये अगर आप सीख गए तो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसी बुक में जॉन ग्रे कहता है कि कपल्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्स है बल्कि जॉन ग्रे का नहीं है हारवर्ड गार्डनर की एक बुक है सेवन प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क अमेजिंग बुक अगेन हारवर्ड गार्डनर की है उसमें वो कहता है अरे दिस वेरी इंटरेस्टिंग वो कहता है कि कपल्स के अंदर जो दुनिया के हैपीएसट कपल्स होते हैं उनके दरमियान भी लड़ाई होती है और कॉन्फ्लिक्ट होता है फ़र्क उनमें होता है जो नाकाम हो जाती हैं शादियाँ फ़र्क ये होता है कि जो कामयाब शादीशुदा लोग होते हैं जोड़े होते हैं कपल्स होते हैं दे आर एट पीस विद इट रादर देन बिकरिंग एंड फाइटिंग इन एंड इन अगेन एंड क्रिटिकिंग अगेन एंड अगेन तुम ये नहीं सही करते सो दट द डिफरेंस इज बिटवीन द टू हार्वर्ड गार्डनर जो था वो नाइनटी परसेंट एक्यूरेसी से बता सकता था कपल से पाँच मिनट बात करके कि ये डाइवोर्स हो जाएंगे अगले दो साल में दैट्स द अमाउंट ऑफ रिसर्च ही डेड सो उसने कहा कि आप हस्बैंड वाइफ के जो कॉन्फ्लिक्स है ना मेजर कॉन्स फॉर एग्जाम्पल यू आर पश्च पशतून राइट सो फॉर एग्जाम्पल आप एक सिंधी लड़की से शादी करते हैं ठीक है बेगम कहती है मेरे बच्चे सिंधी बोलेंगे आप कहते नहीं पश्तो बोलेंगे अब ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसका सुपरफिशियली इफ यू डोंट डीप इट सीम टू बी एनी आंसर टू दिस भाई कौन सी तो दोनों ही बोलेंगे बट यू आर हेल्प एंड कि मुझे पश्ई सिखानी है और खातून कहनी है कि मुझे सिंधी सिखानी है अब एक कॉन्फ्लिक्ट है इफ यू बिल्ड ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट दिस विल कीप ऑन ऑनलेटिंग सो यू डोंट डू दैट यू एक्सेप्ट इट कि ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट है यू एक्नॉलेज इट एंड यू लीव इट लेट द किड्स डिसाइड वॉट दे वॉन्ट टू डू इंटरेस्टिंग <laughs> वैसे आते हैं थोड़ा वो आ, स्लीप वाली की तरफ ना बिकॉज यू आर यू मैंशन के साढ़े पाँच बजे उठना मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ब, शायद सी लेवल एग्जैक्टिव उठते हों इस टाइम पे बट इवन माई सेल्फ फेल टू वेक अप ऑन टाइम ना इसमें आई आई एम एम सॉरी कटिंग यू इसमें भी एक बुक है रॉबिन शर्मा की फाइव एम क्लब राइट एनी वन हु वॉन्ट्स टू वेक अप अर्ली दे कैन रीड दैट बुक फाइव एम क्लब आई रिव्यूड वेल दैट शोज यू दावर ऑफ वेकिंग अपम बिलीव मी नहीं जिंदगी की दिशा जिंदगी की डायरेक्शन जिंदगी का पॉइंट ऑफ व्यू जिंदगी का परसेप्शन आपका थॉट प्रोसेस का वेव लेंथ एवरी थिंग चेंजेस वैन यू वेक अप अपनी इन द मॉर्निंग आपकी एनर्जी लेवल्स ठीक है ये डोप इज राइट देर एट द टॉप है यूर फोकस यूर एनर्जेटिक अच्छा अब ये एनर्जेटिक क्यों होता है क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी होगी अच्छी तो आप एनर्जेटिकोगे द मॉर्निंग राइट सो पावर यह है कि जब दुनिया सो रही है तो आपने उठ के करना क्या है उसमें इसको वो कहते हैं मैजिकल वन आवर इस मेजिकल वन आवर में सिक्सटी मिनट्स में आपने बीस मिनट एक्सरसाइज करनी है बीस मिनट को मेडिटेशन नमाज वगैरह पढ़नी है कोई और आपने जो भी मेडिटेट करना है और 20 मिनट आपने रीडिंग करनी है अच्छा बहुत सारे जॉब हैं लोग होते हमें तो जाना ही ऑफिस नौ बजे है या आठ बजे हैं और शायद उनके दिमाग में इतनी प्रोडक्टिविटी या रीडिंग वाली चीजें होती भी नहीं है इवन इफ दे करना है यूट्यूब पर बैठना है या वैसे ही बैठ गए हैं नाश्ता कर रहे हैं सो नहीं मेरा इसमें एक सजेशन है so वो ये है कि पहले तो आपने डिसीजन लेना है जिंदगी में कि डू यू वॉन्ट टू लिव अ रन ऑफ द मिल लाइफ पहले उस शख्स ने ये डिसीजन लेना है hmm. किताब पढ़ने से पहले भी सुबह पांच बजे उठने से पहले भी हार्वर्ड गार्डनर को पढ़ने से पहले भी और टॉम पीटर्स को पढ़ने से पहले भी ही नीड्स टू आस्क हिम सेल्फ हर सेल्फ अ क्वेश्चन क्या मैं एक एवरेज जिंदगी गुजारना चाहती हूं या गुजारना चाहता हूं इफ द आंसर इज यस yes. तो फिर तो आप जितने मर्जी उठना चाहते हो आप उठो mm. फिर माय डिस्कशन इज नॉट वैलिड वे ठीक है ना बट इफ यूर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड इन लाइफ यू हैव एन एम्बिशन यूर गोल ओरिएंटेड यू हैव पॉजिटिव हैबिट्स तो याद रखें नईम के सक्सेस इज इक्वल टू सेक्रीफाइस सक्सेस नाम ही सेक्रीफाइस का है मैथमेटिकल इक्वेजन सक्सेस इज इक्वल टू सेक्रीफाइस फॉर एग्जाम्पल मैं साढ़े पांच बजे अगर उठता हूँ तो मुझे क्या जरूरत है मैं आठ बजे भी तो उठ सकता हूँ ना एक्टली मैं अपनी नींद क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ मैं रात को अपनी फैमिली के साथ भी तो टाइम गुजार सकता हूँ लेटर इन द डेन आई एम पर रीडिंग और राइटिंग रिव्यू और परूटिंग और एडिटिंग इट सो आई एम सेक्रीफाइजिंग दैट टाइम टू अचीव समथिंग मीनिंगफुल इन लाइफ इट डजन एट ऑल मीन डोंट गेट मी रॉन्ग कि आपने फैमिली फैमिली से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में लेकिन द ब्यूटी इज थैंक्स टू अगेन ऑल माइटी दैट आई है फैमिली विच इज सो सपोर्टिव सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नईम के सो यू नीट टू डिसाइड कि अगर आपने एक एवरेज जिंदगी गुजारनी है तो फिर आप उठे नौ बजे अपने जो काम करने करते हैं लेकिन अगर आपने जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो वो सैक्रिफाइस के बगैर नहीं होगा वन ऑफ दैट सैक्रिफाइसेस टू वेक अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग पीरियड उसके बाद फिर अच्छा मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, सक्सेस हैपेंस बिटवीन 6 पीएम टू 6 एएम hmm. कैसे पूरा दिन तो हम लोग ऑफिस के चक्करों में लगे रहते हैं वी टू रन आवर ब्रेड एंड बटर टू रन आवर होम इकोनॉमिक्स छः बजे के बाद जो शख्स फोकस होके काम करता है सुबह 6 बजे तक नींद भी पूरी करनी है उसमें वन ऑफ दैट ही इज़ ऑन इज़ वे टू सक्सेस दैट्स वट आई ऑब्जर्वड दुनिया के आप टॉप लोग ले लें मस्क ले लें ठीक है बराक ओबामा ले लें इंदिरा नो ले uh, लें पेप्सी ले ले, की जो इंडियन सी ई थी जो एम एन थी ऑल द टॉप पीपल इन द वर्ल्ड दे वेक एट फाइव फाइव एम दैट्स पीपल वेक अप एट फोर फोर थर्टी एम वेल

कोरियंस के उन्होंने मुझे बोला कि शाहरुख द वर्ल्ड हैज ट्वेंटी फोर आवर्स वी हैव ट्वेंटी फाइव आवर्स मैंने कहा कैसे भाई वॉट इज द साइंस दैट यू आर डूइंग वो कहते हम वी नो द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग टाइम साढ़े बारह से डेढ़ बजे तक लंच ब्रेक होता था उसमें वो लंच करते थे टेबल टेनिस कहते थे, खेलते थे और सोते थे इमेजिन दिस सो वट डू दे डू वेन दे डू दिस दे आर क्रिएटिंग टाइम वो अपने लिए वक्त पैदा कर रहे हैं और वक्त से ज़्यादा नहीं दुनिया में देर इज नो थिंग देर इज़ नथिंग एप्सोलूटली नथिंग विच इज़ मोर पावरफुल देन टाइम इट्स एप्सोलुटली प्राइसलेस कोह नूर हीरे से भी कीमती है वो दर इज़ नो प्राइस टू वक्त कमिंग बैक टू अगेन जो सम ऑफ द Goal setter friends of mine, yes, there is one myth na, which is like work life balance. time. <laughs> yeah, the most amount of people who I have seen successful, they're always struggling with it. How you cope up with it, and how do you say that uh, you start ke quality time with family with kids? So, what what is the quality time look like, and how do you take out that time? Uh, see, uh. Quality time is when you are grooming your children for the future, when you are building them up for the, when you are building in them the skills which will be required to excel in the future. Mm. Because life is a race. I can say all the fancy words. are nahi. Zindagi apne terms pe guzarunga. Zindagi koi ka go light, go slow. ऐसा है नहीं लाइफ इज अ रेस इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इफ यू आप थोड़ा सा भी चुकेंगे सम वन फ्रॉम द बिहड वेल कम इन टेक योर प्लेस राइट सो यू हैव टू कीप योर चिल्ड्रन शॉप यू हैूम दैम फॉर द स्किल्स विच विल बी रिलिवेंट इन द फ्यूचर दैट्स वॉट यू टू डू सो क्वालिटी टाइम ये है जिसमें आप उनको फिजिकल एक्टिविटी करवाएं अपने साथ फुटबॉल सॉकर कोई गेम बैडमिंटन बें है स्विमिंग है दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी टाइम दैट एक तो वो फिजिकली एक्टिव होगा ही पावर ऑफ गेटिंग एक्टिव इन फिजिकली डायनाट माई फादर बिलीवड इन स्टेइंगन ही बिलीव इन रीडिंग सो अगर आप अपने बच्चों के सामने मोबाइल फोन यूज करेंगे तो डोंट एक्सपेक्ट यूर चाइल्ड टू रीड अ बुक डोंट एक्सपेक्ट दैम बच्चे किताब पढ़ो किताब पढ़ो भाई आप तो पढ़ते नहीं हो मैं क्यों पढ़ूंगा so if you want to develop a habit of reading in book in 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 your children you need to read start reading first and especially in front of them in front of them and then usually घर में बातें जो है ना ये बड़ा जरूरी है कि हमारी everyday conversation क्या है I love to discuss जब हम लोग बहन भाई बैठते हैं especially my uh, two brothers तो हम लोग एडोल्फ हिटलर की माइन camp से लेके Simon Dubois की सेकंड सेक्स से, से लेके हर किताब को हम लोग तब करते हैं हंसते हैं उसने ये लिखा उसने वो लिखा लड़ते हैं आर्ग्यूमेंट होता बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट होता है वन ऑफ माई ब्रदर्स ही इज इन सऊदिया वो बड़ा एनालिटिकल थिंकिंग है उसकी स्पेशली अबाउट रिलीजन सो ही रीड्स अबाउट रिलीजन अलॉट उसका टोटल डिफरेंट वेव है सोचने का माए वेव लेंथ इज टोटली डिफरेंट इसमें एक और चीज़ ये है कि वी एज अ नेशन अगर कोई हमारे से अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसको इंकरेज करें उसको दबाएं नहीं सप्रेस नहीं करें उसको इंकरेज करें क्यों नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव आपको पता होना चाहिए इकबाल साहब अगर आपको पसंद है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इकबाल साहब की वीकनेसेस क्या थी उनके अगेंस्ट भी तो लोगों ने लिखा है ना वो क्या लिखा है उन्होंने hmm. अच्छा मज़े की बात यह ज़्यादातर जो आप ऑथर्स पढ़ रहे हैं ना दे आर लाइक पाकिस्तान right? uh, <laughs> <Pakistan laughs> में कोई ऐसी लिखने वाला टॉपिक पर बात करेव रेड एनी आई रेड मैंने दो लोगों को बहुत पढ़ा hmm. मुमताज़ मुफ्ती को और अशफाक साहब को hmm. अशफाक मैंने मेरा नाइन्टी नाइन परसेंट नईम जो रीडिंग है ना वो है इंग्लिश में

उसमें बात की है इट्स इट्स एन अमलगमेशन ऑफ थ्री कॉन्सेप्ट ठीक है सूफिज्म का और क्वांटम फिजिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम फिजिक्स का सूफिज्म का और दरवेशी का ठीक mm -hmm. है ना how, ये आप क्या मतलब हाओ वो एक्चुअली में अशफाक साहब ये कहना चाहते हैं उस, उस बुक में उस ड्रामा में कि अल्लाह तक अगर आप पहुंचना है ना तो वो दरवेशी के थ्रू आप नहीं पहुंच सकते आपको साइंस के थ्रू पहुंचना होगा Hmm. अगर आप वो कहते इस हैं, दो हजार बाईस में ये बात करो इट विल अब अब आप देखें वो कहते हैं साई नील्स बोहर अल्लामा आइंस्टाइन इस तरह से लकब देते हैं साइंटिस्ट को अब इसकी एक छोटी सी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ हाउ दिस इज वैलिड और हाउ उनका क्या सोच था नजरिया था एलेक्जेंडर फ्लीमिंग द जेंटलमैन हु इन्वेंटेड पेंसिल इन द फर्स्ट एंटीबायोटिक जस्ट इमेजिन आज अगर हमारे पास एंटीबायोटिक ना हो mm. तो हमारा क्या हाल हो Beautiful. और उस एंटीबायोटिक की वजह से कितनी जिंदगियां बच गई हैं तो अशफाक साहब कहते थे कि ये जो दुनिया में अल्लाह के वली है ना ये ये साइंसदान है अमेजिंग एक्टिंग बाय फिर दौस जमाल इन दैट ड्रामा यूट्यूब पे है अभी जर शाहरुख भाई पाकिस्तान में भी काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं लेकिन क्यों हमारे यहाँ पर ये बुक इज़ नॉट दैट कॉमन उसकी रीजन है कमर्शल एंगल इज मिसिंग जो ऑथर मैंने किताब लिखी है ना सो so, किताब लिखते हैं ऑथर लिखते हैं यूजुअली प्रोफेशनल ऑथर्स होते हैं उनका जीना मरना बुक्स ही होते हैं ठीक mm -hmm. है बुक्स की रॉयल्टी इतनी मिनिमल है कि आपकी अगर बेस्ट सेलर भी होगी आपको पीनट्स मिलेंगे बाइर मुल करेंट से न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर तो रीडर्स बहुत एग्जाम्पल सिंपल सी साइंस है मैथमेटिकॉर्डन पीटरसन अगर ट्वेल्व रूल्स फॉर लाइफ की एक मिलियन कॉपी बेचता है mm -hmm. और उसको एक कॉपी भी एक डॉलर मिलता है तो मिलियनर हो गया दिस हमारे यहाँ रॉयल्टीज आर इतनी लो एंड देन द रीडर्स आर सो लो मिलियन कॉपीज कौन खरीदता है यहाँ पे वन इज़ विलिंग टू एंड दैट्स माई क्वेस्ट इज माई पर्सनल स्ट्रगल इज दिस कि इस कॉम को इस मुल्क को इस नेशन की इंसान साजी करनी है एंड आई थिंक वन ऑफ द मीडियम इज थ्रू बुक्स एंड थ्रू रीडिंग क्योंकि रीडिंग आपके सोच का जो दायरा है जो हराइजन है उसको इतना ब्रॉड कर देती है कि आपको चीजें ऐसे ट्रांसपेरेंट नजर आनी शुरू हो जाती है आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बुक बड़ी के के थ्रू लोगों में जो आपने शूर उजागर किया yes. तो तो यार हमें तो पता ही नहीं था बुक रीडिंग का पोटेंशियल एंड ठीक है, पीपल माय डीएम इज फिल्ड विद हाउ

नहीं, हर साल 21 लाख ,00 किताबें पब्लिश होती हैं 21 लाख वर्ल्ड वाइड टू पॉइंट एक इंडिविजुअल जो मैंने मैथ्स बताई कि अगर hmm. एक इंडिविजुअल एक महीने में एक किताब पढ़े तो में, साल में कितनी पढ़ेगा बारह बारह पचास साल में कितनी पढ़ेगा 600 सौ बिल्कुल मैक्सिमम मैंने पचास साल लगाए हैं कि पचास साल तक अगर वो महीने में एक किताब पढ़ेगा तो पूरी जिंदगी में छे सौ किताबें पढ़ hmm. पाएगा राइट साल में कितनी पब्लिश हो रही हैं बिल्कुल सो पीपल लाइक मी इट्स माई जॉब किताबें वो पढ़ाऊँ लोगों को जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सके वरना तो पीपल कैन गो हो वायर दे माई इन देयर लाइफ आप पढ़ते क्यों हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए अपने आप को हेल्प करने के लिए कॉगनेटिवली इमोशनली प्रोफेशनली पर्सनली दैट्स वाई यू रीड लेकिन अगर किताब ही रद्दी है उसके अंदर कोई कॉन्टेंट ही नहीं है सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लोगों के डायरेक्शन को सर्च को नैरो डाउन करके कि आप ये किताब पढ़ें hmm. आपकी जो YouTube पर सबसे पॉपुलर वीडियो है जिस पर सबसे ज़्यादा व्यूज मैं मेरे, मेरे ख्याल में वो शायद अफरीदी की का जो की बुक का जो बुक रीड हा, हाँ अभी जो है ना ये क्रॉस हो जाएगा और वो बड़ी थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है स्टार्टअप नेशन मेरी जो है ना रिव्यू मैंने इसराइल का के ऊपर रिव्यू किया वाई hmm. सो वा, स्टार्टअप दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप पर कैपिटा इसराइल में सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया नहीं स्टार्टअप पर कैपिटा

मैंने इसको ऑर्डर कर दिया और एक दिन के अंदर इसका रिव्यू मैंने आई रेड द इंटायर बुक इन वन डे और आई mm वॉज -hmm. पर फर्स्ट इंडिविजुअल जिसका के ऊपर रिव्यू गया था तो विद इन टू थ्री डेज इट रीस्ट हंड्रेड थाउजेंड व्यूज लेकिन जो असल मुझे बूस्ट मिला ना यूट्यूब पे इन द पास्ट मेरी एक, एक मेरा परवेज डॉक्टर परवेज हुत भाई के साथ मेरा एक इंटरव्यू था दैट रियली हेल्प माई ग्रो माई चैनल

पाकिस्तान में किसी ने भी इतने ओपनली इस, इस टॉपिक पर वीडियो एटलीस्ट मेरी नजर से नहीं <laughs> तो कोई कॉल्स वगैरह तो नहीं आई कोई नहीं मुझे कोई, was, नहीं पता क्या? क्या मैं मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है ना मैंने कभी लाइक सेड आई नेवर डू एनी रेट्रिक देयर इज नो हिडन मोटिव देर इज नथिंग कोवर्ट बिहाइंड माई ऑब्जेक्टिव मेरा काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना लोगों को विदोशंस ऑब्जेक्टिव रैशनैलिटी पे बेस्ड तो अगर आप मेरा वो, देखें, वो बहुत ही रैशनल है उसमें कोई भी मेरे बयानबाजी नहीं है आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब आपको नहीं hmm. लगेगा ये करंट अफेयर उसमें आपको लगेगी ये नॉलेज मुझे दे रहे हैं है। है। तो मेरे पास जो नॉलेज थी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन थी स्टेब्लिशमेंट की वो मैंने लोगों को बताई है पिक टॉप people liked it, people loved it, it loved so that's what what is. Before we conclude this podcast, uh, what are like like books books If I were to ask you, like, five top books that हम मुझे पढ़नी चाहिए अगर बहुत ज्यादा तो शायद 2000 हजार बुक्स आपने पढ़ी हैं <laughs> और आपने अपनी बुक में भी 50 बुक्स का गाली yes, 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 किया yes, right? yes. लेकिन शायद फिर भी लोगों के लिए It down to five books, कौन सी होंगी, जो, जो लोग ऑंटरप्रोर बनना चाहते हैं ठीक ah. like है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है स्टार्टअप के लिए mm -hmm. वो है जीरो टू वन सो एवरी वन शुड रीड जीरो नंबर वन नंबर टू जिम कॉलिस् की एक बुक है गुड टू ग्रेट वो कहते हैं ना रिगरस रिसर्च के बाद एक किताब लिखी हुई है दैट इज गुड टू ग्रेट बाय जिम अगेन फॉर पीपल हु वांट टू डू गुड इन मैनेजमेंट इन लीडरशिप पोजिशन मनचले का सौदा ऑफकोर्स बाईशाक अहमद सिमोन डिबोआर की सेकेंड सेक्स आई एब्सोल्युटली लव दैट मैन सर्च फॉर मीनिंग विक्टर फ्रेंकल की मस्ट 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 रीड फ्रैंकल की एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल की अमेजिंग बुक व्हाट अ सटायर आई थिंक इट्स इजीली द बेस्ट सटायर इन द वर्ल्ड लोलिटा पढ़े द लोलिटा वो किताब है जिसके ऊपर मेरी टीचर ने मेरे अब्बा को बुला लिया था आई वाज़ सो यंग और उन्होंने कहा शी कॉल्ड माय फादर ने शी सेड लुक एट व्हाट इज़ रीडिंग लोलिटा लोलिटा इज़ बेसिकली इट्स एन एडल्ट कैन बी इट्स नॉट एन एडल्ट बुक बट बेसिकली उसकी कहानी है कि अठहत्तर साल का प्रोफेसर हम्बर्ट हम्बर्ट नाम है वो एक बारह साल की लड़की से सेक्शुअली अट्रैक्ट हो जाता है mm -hmm. विला ऑफ ने वो नॉवल लिखा है बट द रटिंग द वे हीज कमिकेटेड इज थॉट इज अ लोक क्विंस हाउ आर्टिक्यूल इज

आई कैन गो ऑन एंड ऑन आई कैन और कौन सी हो सकती हैं साइमन सिनेक की लीडर्स एट लास्ट पढ़ें ठीक है स्टार्ट विद वाई पढ़ें सेथ गोर्डन की सेथ um, गोर्डन की एक बड़ी फेवरेट लिंच पिन सेथ गोर्डन की लिंच पिन पढ़ें um, उसकी हाउ टू क्या सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ वो पढ़ें अमेजिंग बुक उसकी नसीम तालिब की द ब्लैक स्वान पढ़ें ठीक है जो बच्चे हैं वो रोल हाल की पूरी सीरीज पढ़ दें चार्ल्स डिकन्स पूरा पढ़ दें यूल्स वर्न पूरा पढ़ लें रॉबर्ट ल्यूटि पूरा पढ़ लें सो so, जो बड़े हैं जो लीडरशिप पोजीशन पे आना चाहते हैं मैनेजमेंट वाइज अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं दे मस्ट रीड टॉम पीटर्स अमेजिंग उससे बड़ा गुरु नहीं पैदा हुआ मैनेजमेंट में टॉम पीटर्स टॉम पीटर्स की दो बुक्स हैं तीन बुक्स हैं जो मेरी फेवरेट हैं री इमेजिन इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस एंड लिटिल बिग थिंग्स

आई फील लाइक पाकिस्तान में एक तो बुक रीडर्स बहुत कम है yeah, yeah. और माशाला द नॉलेज दैटेड ओवर अ पीरियड ऑफ दिस लॉन्ग टाइम शायद ही किसी के पास हो शायद ही जो मेजॉरिटी ऑफ ऑथर्स के या बुक्स के आपने नाम भी ले शायद ही किसी को पता हो आई इवन एक्सेप्ट फॉर साइमन सैनिक और जो स्लीप वाले एक्सपर्ट हैं या लाइफ स्पैन वाले हो गए माई सेल्फ

मकरान कोस्टल पे ट्रेवल जरूर करें इंशाल्लाह सो एज यूज़ुअल उम्मीद है आपको मजा आया होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एज वेल थैंक यू